कौन है तू? पहले तो देखा नहीं तुझे यहाँ। साहब हम यहाँ नए नए आए हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही रेडी लगाना शुरू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये फल किससे लेती है तू? साहब वो मुकेश भैया है ना, चौकी के पास गोडाउन है जिनका, उन्हीं से खरीदते हैं, बड़े अच्छे आदमी। हाँ हाँ ठीक है, अच्छे आदमी है। देख संजू नाम है मेरा, पास ही में मेरा एक गोडाउन है, आज से मेरे से फल ले लियो ठीक है। नहीं साहब हम आपसे फल नहीं खरीदेंगे, हमने सुना है कि आप बहुत महंगे फल बेचते हैं और उनकी क्वालिटी भी सही नहीं होती तो जल्दी सड़ जाते हैं। अच्छा देख आराम से समझा रहा हूँ तुझे, आज से मुझसे फल लेगी तो बात खत्म। पर साहब ये कैसी जबरदस्ती है, हम अपना नुकसान थोड़ी करवाएंगे। तू अपना नुकसान नहीं करवाएगी ना, अब मैं तेरा नुकसान करूँगा। आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ तुझे, या तो मुझसे फल खरीद लियो नहीं तो तेरी नहीं रेहड़ी लेके जाऊंगा यहाँ से। साहब साहब लेकिन हाँ भाई चल लिखवा ऑर्डर फलों का। साहब हम आपसे फल नहीं खरीदेंगे, एक तो आप वैसे ही महंगे फल बेचते हो, ऊपर से सड़ी हुई, हम अपना नुकसान नहीं करवा सकते। चुप कर बंटी, इसकी रेडी ले चल। साहब साहब आप रेडी लेके मत जाइए, ये हमारी रोजी रोटी है साहब। अच्छा तेरी रोजी रोटी है ना, अगर तेरे को अपनी रेडी चाहिए ना 10,000 रुपए लेके मेरे गोडाउन में आ जाइए, समझी? साहब 10,000 रुपए? 10,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे साहब, दया करो हम पे, गरीब लोग हैं हम। ठीक है दया कर लेते हैं तुझ पे, 100-10 रुपए कम दे दियो चल। साहब साहब मेरी बात सुनिए साहब। देखा तूने कैसे सबक सिखाया उस रेडी वाली को, मुझे अकड़ दिखा रही थी, आपसे फल ले लूंगी मैं। निकल गया अकड़। साहब अरे आ गई तू, अभी तो इसकी बात कर रहे थे, जा जाके गोदाम खोल दे। हाँ भाई निकाल पैसे, निकाल पैसे, देख क्या रही है, क्या देख? आपको क्या लगा था कि आप हम पे जुल्म करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे? हम गरीब जरूर हैं पर लाचार नहीं, अपने हक के लिए लड़ना अच्छे से जानते हैं। क्या गलत किया है मैंने, सामान ही तो बेच रहा था अपना। सर सामान बेच रहा था मैं। फल बेचना गलत नहीं है, दादागिरी करना गलत है, पुलिस स्टेशन चल दूं मेरे साथ। गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने। गलत मैं नहीं, गलत आप कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों की जगह ना जेल में ही होती है। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, चल।